नमस्कार, आप देख रहे हैं समय न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। हम आपको दिखाएंगे राजनीति, मनोरंजन, क्राइम, खेल और आम क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न पारंपरिक त्योहार की श्रेणी में अनेक त्योहार आते हैं, जिसमें माँ और बेटे का प्रमुख पारंपरिक त्योहार हल षष्ठी, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में खमर छठ भी कहती हैं। इस पर्व में माता अपने बच्चों के सुख समृद्धि और लंबी उम्र के खातिर इस व्रत को रखती हैं। पावन नगरी रतनपुर में आज इस पारंपरिक पर्व में महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया, जिसमें पुत्रवती महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के खातिर इस व्रत को धारण की। वहीं सुबह से ही सभी सुहागिन और पुत्रवती महिलाओं ने महुए के दातून करके इस व्रत की शुरुआत की। फिर उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर दोपहर के समय में सारी सुहागिन महिलाएं अपने पड़ोस के पंडित पुरोहित के यहाँ जाकर के पूजा आरंभ की। सर्वप्रथम पूजा में सारी महिलाएं एकत्रित होकर पंडित के घर में एक तालाब, जिसे नगरी कहा जाता है, उसमें दूध और जल अर्पित किए। फिर इसके चारों तरफ काशी के फूल तथा बेर की डाली आदि के द्वारा सजाया गया था। इसमें बच्चों के खिलौने आदि रखे गए थे। फिर विधिवत पूजा आरम्भ हुई, जिसमें पंडित पुरोहित अमित दुबे जी के द्वारा 6 प्रकार की कथा सुनाई गयी और प्रत्येक कथा के अंतराल में सारी महिलाएं शक्ति माता की पूजा अर्चना के साथ दूध और जल अर्पित की। वहीं इस मौके पर नीतू सिंह ठाकुर वार्ड क्रमांक 2 पार्षद ने कहा कि आज के दिन हम लोग सुबह उठकर इस व्रत की शुरुआत महुए के दातून करके करते हैं। उसके बाद नहा धोकर के पूजा पाठ की तैयारी में जुट जाते हैं। फिर दोपहर के समय हमारे आस पड़ोस की सभी महिलाएं हाथ में पूजा की थाली लेकर अपने पंडित पुरोहित के यहाँ जाती हैं और पूजा की पूजा पाठ आरम्भ करती हैं। इस पूजा के दौरान पंडित के द्वारा 6 प्रकार का कथा सुनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक कथा के बीच में हम लोगों के द्वारा हल षष्ठी देवी को दूध और जल अर्पित करते हैं। इस पूजा के बाद हम लोग अपने अपने घरों में जाकर कपड़े की चिंदी से बनाई गई पोते को अपने बच्चों के पीठ पर 6 बार आशीर्वाद स्वरूप मारते हैं और चुकड़ी में लाई चना आदि की उन्हें प्रसाद देती हैं। फिर हम लोगों के द्वारा बिना जुताई किए हुए भूमि में उपजे पसहर चावल, 6 प्रकार की भाजी का सेवन करके इस व्रत को पूर्ण करती हैं। महिलाएं महुए के दातून करके व्रत का प्रारंभ किए हैं सुबह, और यह व्रत हल षष्ठी व्रत है, जो है वह अपने मतलब पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए, दीर्घायु के लिए किया जाता है। और इसमें हम सबरी खोद कर सभी महिलाएं उसके आसपास पूजा अर्चना करती हैं। और इसमें आज के दिन भैंस के दूध, भैंस के दही का ही उपयोग किया जाता है। भैंस के घी के द्वारा ही दीप जलाया जाता है और उसके पश्चात पूजा अर्चना होने के बाद पंडित जी के द्वारा कथा का श्रवण किया जाता है। उसके पश्चात हम सभी महिलाएं अपने घर पुनः वापस जाकर आज हम बिना हल से जोता हुआ चावल का सेवन करते हैं और साथ में हम 7 प्रकार की भाजी का सेवन करते हैं। और उस चावल के द्वारा और उस भाजी के द्वारा ही हम अपने व्रत को तोड़ते हैं। और पूजा के दिन सबसे पहले मन सो के उठन, तो फिर महुआ के दतवन करथन, नहाथन धोथन, पूजा पाठ की तैयारी करथन, दिया चुकिया, नया कपड़ा वगैरह लगते, भैंस के दूध, दही और जो भी मतलब घी वगैरह हो गए। ओखर अलावा हम पंडित यहाँ जाथन, सगरी के निर्माण करथन, वहाँ पर जाके फिर हल षष्ठी देवी मैया के पूजा के पूजा करथन, जो भी अपन तरफ से जो भी चढ़ाना रहते सामग्री वो सब चीज, जैसे कि मान के चला कि ओखर देवी मैया के लिए सिंदूर सुहाग के पूरा सामग्री ये सब हम चढ़ाथन। ओखर अलावा कथा के श्रवण करथन पंडित जी से। फिर हमन घर जाथन तो वहाँ फिर पोता मारथन अपन बच्चा मन ला। ओखर अलावा फिर जो बिना जोताए वाला चावल रही वो चावल के हमन भोजन ग्रहण करथन। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए समय न्यूज। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हर ताजा अपडेट के लिए दबाना ना भूले बेल आइकन। नमस्कार।